बाप आए हैं तुम आत्माओं की बेटी चार्ज करो, तो जब बाप के सम्मुख आते हैं तभी चार्ज होती है या दूर बैठे भी करते हैं? याद करेंगे तो दूर बैठे भी चार्ज होगी। और याद तो उतनी ही आती है जितना रसगुल्ला खाया होगा। रसगुल्ला खाने की किसी की जाति प्रैक्टिस पर जाती है तो याद भी जरूर आती है। एक मुरली ने पूछा था, बताओ कि ब्रह्मा द्वारा कितने ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां बनते हैं? ब्रह्मा द्वारा है एक ब्रह्मा द्वारा, एक ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा है तो अनेकों के नाम, क्योंकि बस ब्रह्मा को चतुरानन दिखाते हैं, पंचानन दिखाते हैं, तो जितने मुख हैं उन मुखों में उतनी आत्मा काम करेगी या नहीं करेगी? है, रावण को 10 मुख हैं तो आत्माएं भी कितनी होंगी? 10 आत्माएं तो होंगी। तो चतुरानन है तो चार ब्रह्मा तो जरूर चाहिए, और नंबरवार होंगे कि एक जैसे होंगे? नंबरवार होंगे। कौन से ब्रह्मा की बात है? है? ब्रह्मा का चित्र बनाते हैं तो चार दिशाओं में चार मुख दिखाते हैं, दिखाते हैं ना। दिग्पाल भी गाये हुए हैं, क्योंकि जो पालना करते हैं वो ही पालना करेंगे जिन्होंने स्थापना की होगी। तो चार दिशाएं हैं, चारों दिशाओं में एक एक दिग्पाल हो गया, दिग माने दिशा। अब कौन से ब्रह्मा की बात पूछ रहे हैं? एक ब्रह्मा द्वारा कितने? हाँ, वो एक ब्रह्मा कौन सा है? तो मुरली का आगा पीछा देखो, प्रसंग के आधार पर पता लगेगा। और बेगर को ग्रीन का क्या मतलब? बेगर अर्थात जिसके पास कुछ भी न हो, धन पद मान मर्तबा कुछ भी न हो, घर भी न हो, तो कहते हैं बेगर। जो बेगर बनते हैं ईश्वरीय सेवा में, ईश्वरीय सेवा में सब कुछ लगाई देते हैं, तन धन धाम स्वर्ग परिवार सबके पमता ताग बतोड़ी, सब कुछ ईश्वर के प्रति अर्पण कर देते हैं, तो क्या बन गए? दुनिया के हिसाब से कहेंगे पागल है, है? सब कुछ था और बेगर की तरह फिर रहा है। तो ऐसे बेगर जिनको पांडव कहा जाता है, उनको क्या बनाए देते हैं? भगवान बाप आकर विश्व का मालिक बनाए देते हैं। और उसको कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। और विनाश के बाद ये पशु पक्षी और पेड़ पौधा इनकी पैदाइश के लिए
मनुष्यों की पैदाइश कैसे होगी? तो बर्फ में सही सब जाएंगे। तो जब जानवर सुधरते हैं तो उनसे पहले कौन सुधरते हैं? मनुष्य सुधरते हैं। मनुष्यों के आधार पर सारी सृष्टि टिकी हुई है। मनुष्यों के परिवर्तन से सारी सृष्टि का परिवर्तन उदा हुआ है। चैतन्य प्राणियों में मनुष्य है मुख्य, क्योंकि मनुष्यों में ही मन होता है। जानवरों में, पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में तो मन नहीं होता है, जो मनन चिंतन मंथन करे। मन के वाइब्रेशन के आधार पर सारी दुनिया को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर मन एकाग्र हो जाए तो मनुष्य जब मन को एकाग्र करता है प्रैक्टिस के द्वारा, तो वाइब्रेशन सुधरने से सारी दुनिया का सुधार ऑटोमेटिक होता है। जानवरों का भी परिवर्तन हो जाता है। मिसाल के बतौर जंगल में जो जानवर रहते हैं और शहरों में या गांवों में भी जानवर रहते हैं, जंगल के जानवर इतना बीमार क्यों नहीं पड़ते जितना शहरों में और गांवों में रहने वाले जानवर ज्यादा बीमार पड़ते हैं? क्या कारण है? मनुष्यों के वाइब्रेशन के बीच में आकर के जानवर भी विकारी बन जाते। उन विकारों के आधार पर बीमारियां भी बढ़ती हैं, जानवरों में भी बीमारियां बढ़ती हैं। तो नंबरवार आत्माएं हैं, 84 लाख योनियां नंबरवार हैं, भले मनुष्य 84 लाख योनियों में नहीं जाता है, परंतु 84 लाख योनियों जैसे कर्म तो कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो वाइब्रेशन भी बनते हैं। सत्युग के आदि में 84 लाख योनियां होती है या कलयुग के अंत में 84 लाख योनियां होती है? कलयुग अंत में होती है। क्यों? क्योंकि गिरी हुई योनियों के प्राणी गिरी हुई सृष्टि में पैदा होंगे या ऊंची सत्युग की सृष्टि में पैदा होंगे? 84 जन्म है और 84 जन्मों की कितनी योनियां? 84 लाख योनियां। जैसे कि हर जन्म में 1 लाख योनियों की बढ़ोतरी होती रहती है, जैसे जैसे मनुष्यों के वाइब्रेशन गिरते जाते हैं वैसे वैसे मनुष्यों योनियों की संख्या बढ़ती जाती है। तो मनुष्य के ऊपर सारा आधार है और मनुष्यों को देवता बनाने वाला भगवान है। भगवान कच्छ मच्छ अवतार को पढ़ाने के लिए आता है या मनुष्यों को पढ़ाने के लिए आता है? मनुष्यों को ही पढ़ाई पढ़ाएगा, मनुष्य ही ज्ञान ले सकते हैं। कहते भी रहते ज्ञान अन्न मुक्ति, ज्ञान के बगैर तो मुक्ति जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती, और जानवर थोड़े ज्ञान लेंगे। जो बच्चे अच्छी रीति से पढ़ते हैं वो पहले छोड़ते हैं। देख लो देख लो, ध्यान से देख लो क्या लिखा है। जो अच्छी रीति से पढ़ते हैं वे पहले मुझे जुदा होते हैं, वे बच्चे मुझे जाती याद करते हैं और वो ही बच्चे सबसे पहले आगे आते हैं।
जो पहले पहले सृष्टि में आते हैं वो पहले पहले बाप से जुदा हुए थे। इसका मतलब कि जब नई शक्ति बनती है तो पवित्र होने वाले बाप से जुड़े रहेंगे या जुदा हो जाएंगे, क्योंकि अपवित्र में बाप आता है, पवित्र में तो बाप आता ही नहीं है। जो जो कर्मातीत अवस्था होते जावेंगे उनको बाप को याद करने की दरकार रहती ही नहीं है, जैसे कि जुदा हो गए तो वो ही पहले पहले आवेंगे। और हर आत्मा में अपना अपना पार्ट बना हुआ है। हाँ जी, किसी को भी दोष नहीं दे सकते। हाँ, फिर उन आत्माओं को सजा क्यों खाना पड़ता है? सजा भी नहीं दी हुई है। सजा भी नुदी हुई है और सजावट जिनकी होती है वो भी नुदा हुआ है। और मकानों की जरूरत पड़ेगी नहीं है? सतयुग में तो मकानों की जरूरत होती नहीं है। क्यों? बने बनाए मकान नहीं मिलेंगे? लेकिन मुरली में तो ये आता है कि आपके हीरे जो जड़ित जो है मकान होंगे, तो किस है हीरे जड़ित जो मकान आपको मिलेंगे? हाँ हाँ, तो किस समय की है? तो ये पहाड़ों में जो गुफाएं बन जाती हैं ऑटोमेटिक, वो गुफाएं प्रकृति नहीं बनाती है, कुदरती गुफाएं होती है या नहीं होती है? ऐसी गुफाएं तुमको मिल जाएंगी जिनमें हीरे जवाहरात जड़े हुए होंगे, अंधेरा नहीं दिखाई पड़ेगा। और है जो पवित्र नहीं बनेंगे उन पर विनाश बरपा होगा, और जो पवित्र बनेंगे उनके लिए विनाश बरपा होगा। जो पवित्र बनेंगे उनको सुख देने के लिए विनाश होगा, क्योंकि विनाश किसका होगा? पापियों का होगा या पुण्यात्माओं का होगा? तो पापी खलास होंगे तब तो पुण्यात्माओं को सुख मिलेगा, और पापी बने रहेंगे तो पुण्यात्माओं को सुख मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ, तो तुम्हारे लिए विनाश होगा। जब इस सृष्टि का विनाश होगा तो आप कुछ आत्माओं की उम्र भी 60 की होगी, 70 की होगी, किसी की 10 साल की भी होगी। और जब इस सृष्टि की उत्पत्ति होगी तो फिर उस आत्माओं का सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होती है। सृष्टि तो अनाद है, विनाशी है। जिसकी उत्पत्ति होती है उसको अनाद या विनाशी नहीं कहा जाता। आत्मा भी अनाद या विनाशी है, परमपिता परमात्मा भी अनाद या विनाशी है, और सृष्टि भी अनाद या विनाशी, उत्पत्ति नहीं। उस समय जो उनकी उम्र हो, किस समय? मतलब जब नई सृष्टि होगी। हाँ बनने के बाद। हाँ, नई सृष्टि कब से होगी बताओ? मालूम है? कोई एक सेकंड होगा है? अरे संबत एक 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 होगा या नहीं होगा? होगा कब होगा? कोई पारिवारिक इकाई से ही शुरुआत होगी या इकट्ठी सारी दुनिया में नई सृष्टि हो जाएगी है? तो जो पारिवारिक इकाई होगी वहां से नई सृष्टि शुरू होगी। नहीं, मेरे पूछने का मतलब यह था कि उस समय उनकी उम्र की आकलन कैसे करें?
भाई किसी की उम्र तो 10 की होगी, किसी की 60 की होगी, हाँ सृष्टि का विनाश होगा, विनाश का भी होगा। विनाश पहले सूक्ष्म में होगा या स्थूल में होगा, है पहले सूक्ष्म में होगा। स्वभाव संस्कार जो खराब हैं उनका विनाश होगा या अच्छे स्वभाव संस्कारों का विनाश होगा? तो खराब संस्कारों का विनाश होगा तो उसमें शरीर को विनाश होने की जरूरत है? वहां से नई शक्ति शुरू हो गई। जहां नई शक्ति की शुरुआत होगी वहां अतीन्द्रिय सुख अनुभव करेंगे या नहीं करेंगे? तो शरीर के बिगड़ अनुभव करेंगे क्या? उसमें एज का सवाल है, होता है नहीं? संगम युग के अंदर ही नई शक्ति होती है, संगम युग के अंदर ही पुरानी शक्ति होती है। बाप तो कहते हैं मैं तुमको पुरानी दुनिया के बीच नई दुनिया का वर्षा देता हूं, नरक के बीच में स्वर्ग का वर्षा देता हूं। पारिवारिक के टाइम में शरीर के संस्कार एक से रहेंगे बाबा? अरे तो नहीं तो टकराएंगे नहीं है? सभी विश्व के बादशाह होंगे या एक होगा एक नहीं होगा? परिवार में बच्चा भी कहेगा मेरा कारखाना और बाकी भी कहेगा मेरा कारखाना। आज की दुनिया थोड़े ही ये बात है, आज की दुनिया में जो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के चलाने वाले ऑफिसर्स हैं उनमें ये थोड़ी भावना होती है कि प्रजा मेरे बच्चे हैं, वसुधा मेरा कुटुंब है। ये तो भगवान की बनाई हुई दुनिया की विशेषता है कि जो भी हैं वो सब भगवान के बच्चे हैं और सब विश्व के मालिक अनुभव करते हैं। और राम के नाम में चंद्र लगाया जाता है रामचंद्र, और कृष्ण के नाम में भी चंद्र लगाया जाता है कृष्णचंद्र। तो दोनों के नाम के आगे चंद्र क्यों लगाया जाता है? है किसी के पास जवाब नहीं है? कलाओं में बदल गए। हाँ, चाहे राम हो और चाहे कृष्ण की आत्मा हो, माया से सब हार खाते हैं या नहीं खाते हैं? जो भी सूर्यवंशी बनते हैं वो सब चंद्रवंशी बनते हैं या नहीं बनते? बनते हैं। तो राम भी रामचंद्र और कृष्ण भी कृष्णचंद्र। अयोध्या में राम का जन्म दिखाया है, वेद में इसका अर्थ क्या है? अरे राम का अर्थ क्या है? है रम्मिते योगिनो यस्मिन इति राम। योगी लोग जिसकी याद में रमण करते हैं, याद में है तो ऐसे आनंद आता है जैसे रमण कर रहे हो, ऐसी प्रसन्नता रहती है। तो उस समय राम की स्टेज क्या होगी? लड़ाई लड़ने की स्टेज होगी है? संकल्पों से किसी से लड़ाई लड़ेगा? वाचा से लड़ाई लड़ेगा? कर्मेंद्रियों से लड़ाई लड़ेगा? लड़ेगा। उसी को अयोध्या कहा जाता है, युद्ध माने युद्ध, और अयोध्या माने जहां युद्ध है ही नहीं। तो राम की ऐसी स्टेज बन जाए कि दुनिया में कोई भी उनका शत्रु
है ही नहीं। जो सामने आवे सो कहे मेरा बाप, मेरा प्यारे से प्यारा बाप आ गया। साहब के प्रति प्यार ही प्यार पैदा हो जाए, सारी दुनिया कहे प्यार का सागर। तो युद्ध करने वाला हुआ या अयोध्या हुआ? और बाबा मेरी कन्या है, उसने दो बार भर्ती की, ज्ञान में चलती थी, रेगुलर क्लास में आती थी, अब कन्या क्लास में ही नहीं आती है, तो उसको घर पर छोड़ करके आऊं या नहीं? बताओ। है? है, माताओं का फर्ज है, कन्या चाहे ज्ञान में चलती हो या न चलती हो, कन्या की सुरक्षा जितनी माँ कर सकती है उतना और कोई नहीं कर सकता। इसलिए कन्या को अकेला छोड़ने की बात ही नहीं। रही ज्ञान में चलने की बात, बाबा तो वरदान दिया हुआ है एडवांस वालों को, तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। आज नहीं चलती है, कल आवाज निकल जाएगी, भगवान आया हुआ है। तो जो नहीं चलते हैं, विरोध करते हैं, वो भी चलने लग पड़ेंगे। बाबा विष्णु पिता ब्रह्मचारी थे, उससे पर क्यों बताऊं? क्या बातें जी? क्या बोला? भीष्म पितामह ब्रह्मचारी थे, हैं स्वयंवर, स्वयंवर क्यों जीता? अपने लिए थोड़े ही जीता है, स्वयंवर में क्यों गए, स्वयंवर क्यों गए? अरे पारिवारिक व्यवस्था की जिम्मेवारी उनके हाथ में थी, इसलिए गए। उन्होंने कोई अपने लिए थोड़े ही किया। और बाबा भस्मासुर के सिर में मोर का पंख क्यों दिखाया है? मोर का पंख दिखाया है? अरे मुर्गे का पंख दिखाया है, मुर्गे की निशानी है कि सबको जगाए देता है और खुद सो जाता है। वो तो विदेशी है, असुर जो होते हैं वो विदेशी होते हैं। क्या कब आते हैं? द्वापर से आते हैं या सतयुग से आते हैं? द्वैतवादी युग से आते हैं। तो जितने भी विदेशी विधर्मी हैं वो असुर हैं, जो परम धाम से नीचे उतरते हैं, वो मुर्गे हैं। क्या बुद्धि के बहुत तीखे होते हैं, इसलिए बुद्धिमानों की बुद्धि बाप को पहचान लेते हैं। पहले पहचान तो लेते हैं लेकिन पूरा नहीं पहचानते। नीमकी में खतरे जान, तो पूरा न पहचानने के कारण फिर बाद में सो जाते हैं, दूसरों को जगा देते हैं, खुद सो जाते हैं। जैसे एडवांस के आदमी चार मुख्य धर्मों में से जो तीन धर्म हैं विदेशी, उनकी तीन बीज रूप आत्माएं पहले निकली। एडवांस के ढेर ब्राह्मणों को जगाए दिया, बेसिक के ब्राह्मणों को जगाए दिया, फिर बाद में अभी अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं या जागृत हैं? है? एकदम विरोधी हैं, अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं, बाप को भूल गए।
तो मुर्गे का मिसाल दिया गया है, वो मुर्गे का ताज उनके सिर पर है, इसलिए असुरों को शास्त्रों में भी मुर्गे की कलंगी दिखाई जाती है। और है माया ऐसी हर खन है कि सब भुलाई देती है, है सारा ज्ञान भुलाई देती है। हर खन तो हर क्षण, हर क्षण है क्षण का बिगड़ा हुआ रूप, हर क्षण कोई भी क्षण माया का वार हो सकता है। बाबा बोलते हैं जब मैं आता हूँ तो तीन मूर्तियों के साथ आता हूँ, यज्ञ के आदि में ओम राजे मम्मा तो थी नहीं, अंत में भी नहीं है, लेकिन त्रिमूर्ति में ओम राजे को दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? त्रिमूर्ति में ओम राजे को दिखाया है कहीं? है तो किसी ने झूठी बात लिख दी। कोई कोई एक भी संगठन में अथवा एक भी क्लास में नहीं आते हैं, क्लास ही नहीं करते, न मिनी मधुबन में न गीता पाठशाला में। उनको बाबा के महासंगठन में आने दिया जाता है। ऐसा डायरेक्शन है कोई? है बाबा के संगठन में आने का ऐसा कोई किसी को डायरेक्शन है कि क्लास भी न करता हो, गीता पाठशाला में आता भी न हो और मधुबन में भी कोई महासंगठन न करता हो, आता न हो, उसको परमिशन दी जाए क्लास में आने की? एक झूठी बात है। बना कोई आया है ऐसा? अगर कोई आया है तो सच्चम सच्च हाथ उठाओ। उठाओ भाई, कोई है ऐसा है जो गीता पाठशाला में भी कभी क्लास नहीं करता है और मिनी मधुबन में भी कभी क्लास नहीं करता, संडे संडे का संगठन होता है उसमें भी नहीं आता? ऐसा क्यों करती हो माता जी? कौन लाया आपको? आपको कोई लाया होगा? कौन लाया? एक माता, नाम बताओ। है कौन है रेखा माता? कौन है रेखा माता? हाथ उठाओ। अरे हाथ तो उठा दो। अभी भट्टी करी बाबा, है अभी भट्टी करी है उनने। भट्टी की, उससे क्या हुआ? तो भट्टी करने के बाद क्लास भी तो करना चाहिए। हाथ तो उठाओ। कौन सी रेखा माता? पता ही नहीं चल रहा है ये रेखा माता, तुम्हें पता नहीं कहाँ हाथ कर दिया। हाथ उठाओ। अरे हाथ उठा दो भाई। है बाबा माता को क्लास में संदेश दिया बोलने के बाद भी कि संगठन की क्लास अगर नहीं करेंगे अटेंड और क्लास में नहीं जाएंगे तो क्लास में सीधा बाबा के क्लास में कर देना है क्या? नहीं, मना कर दिया बाबा, अगर तुम क्लास में नहीं आओगी तो तुम्हारे लिए मैसेज नहीं दिया जाएगा। हाँ फिर वो तो कह रही तुम्हारे सामने ये माता बुला के लाई हमको। माता जी बोलती हमको ये बात से बुरा लग गया, तुम बार बार ऐसे क्यों बोलती हो तुम क्लास में नहीं आती, इस वजह से हम क्लास में नहीं आ रहे। क्लास में आने की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है महासंगठन में क्यों बुला के ले आए। हम नहीं लाए, वो तो क्लास में मैसेज दिया गया। वो माता झूठ बोल रही, जैसे आना था वो आए, दूसरी माता जी जो भट्टी करके आई है अभी बाहर गई हुई है उनके लिए बताया, तो वो जिसको मना नहीं किया जिसको क्लास में नहीं आता जो
वो वहां से लाख मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो अपने आप आ जाता है वो माता तुम्हारे मुंह पे कह रही है। नहीं बाबा, हमने तो ऐसा बाबा इनका फोन गया था हमारे पास देखा। जय जय सिया राम। नहीं बाबा, जो दूसरी माता जी है, माने झूठ खंड स्थापन करना है सच खंड। नहीं बाबा, ये बात है ना, जो माता जी परसों जब मेरे पास आई थी फोन देने, नंबर देने के लिए, मेरा नंबर है बाबा तो बता देना, जब भी मैंने यही बोला था इनको। फिर दूसरी माता जी जिनका नंबर नहीं था हमारे पास, वो अभी भर्ती करके आई है, तो उनके लिए बोला था इनको। ये कोई तुम्हारी नजदीक वाले नहीं चिट्ठी दी है। सर्प चार बार खल छोड़ता है जिंदगी में, सर्प चार बार अपनी खल त्यागता है फिर मर जाता है। ये मिसाल ब्राह्मणों के लिए बाबा देते हैं। तो ये कैसे लागू होता है? षष्टि चक्र में चार युग हैं, चार युगों में चार बार चढ़ती कला और चार बार उतरती कला होती है। और ज्ञान में चलने वाली आत्माएं चार बार ऊपर चढ़ती हैं, फिर चार बार नीचे उतरती है। ये अप एंड डाउन होता है। तो जब ऊपर चढ़ते हैं तो जैसे कि देह भान त्याग दिया, देह त्याग दी माने कैंचुल त्याग दी, खल त्याग दी। और जब नीचे उतरते हैं तो देह भान आ गया, देह भान आया माने देह आई, खल धारण कर ली। ऐसे चार बार होता है ज्ञान के आधार पर। और फिर प्रैक्टिकल में भी ऐसे होगा। बार बार शरीर जो है वो सात्विक स्टेज में जाएगा और थोड़ी सी गलती होने से फिर नीचे गिरेंगे। ब्राह्मणों के ऊपर 100 गुना बोझ चढ़ता है, वो बोझ बार बार नीचे ले जाता है। एक वार्ता में बोला है कि स्त्री पुरुष जिसकी याद में शरीर छोड़ते हैं वैसा ही शरीर मिलता है। माने स्त्री पुरुष की याद में शरीर छोड़ेगी तो पुरुष का जन्म मिलेगा, पुरुष स्त्री की याद में शरीर छोड़ेगा तो वही जन्म मिलेगा। लेकिन अगर स्त्री किसी की और की याद में शरीर न छोड़े, स्वयं की याद में ही शरीर छोड़ते हैं, तो कौन सा जन्म मिलेगा? स्त्री का ही जन्म मिलेगा। पुरुष किसी की याद में न रहे और स्वयं की याद में ही शरीर छोड़ दे तो पुरुष का जन्म मिलेगा। लेकिन अगर 2-3 बार ऐसे हो तो कौन सा जन्म मिलेगा? ऐसे होता ही नहीं क्या? ज्यादा से ज्यादा 2 बार स्त्री का जन्म मिल सकता है, या ज्यादा से ज्यादा 2 बार पुरुष का जन्म मिल सकता है। इससे जास्ती मार्जिन नहीं होती।
बाबा एडवांस में जो ब्रह्मा था वो कहां चला गया? बताओ एडवांस में कौन सा ब्रह्मा था? है अरे ब्रह्मा चार पांच हैं, उनमें एडवांस में कौन सा ब्रह्मा? प्रजापिता ब्रह्मा कहां चला गया? उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। फिर सप्ताह कोर्स लो, फिर से भर्ती करो। एडवांस में मां आवेगी या नहीं आवेगी? है आवेगी? अभी नहीं है। बिना मां के स्थापना होती है क्या? होती है। तो किसी को पता ही नहीं है कि एडवांस में सब प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, निवृत्ति मार्ग वाले कोई है नहीं। अगर है भी संन्यास धर्म की बीज रूप आत्मा है तो वो भी पहले पहले मां बाप से ही जन्म लेती है, बाद में सन्यासी बनती है। जब आठ की कर्मातीत अवस्था बन जाएगी तो बाहर की दुनिया में या ब्राह्मणों की दुनिया में लड़ाई शुरू हो जाएगी। क्या ऐसा है? है? जब सच्चाई प्रत्यक्ष होती है तो झूठ में बिखराव आता है या नहीं आता है? आता है। बिखराव आना माना लड़ाई। बाबा ने बोला है गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। तो फिर माउंट आ गई जमीन हमें फ्री मिल जाएगी, हम क्यों खरीदे? बताओ क्या हल है? है? ये तो बाबा ने बोला नहीं कि माउंट आबू के फिक्री में। अरे लड़ाई लड़ने के लिए तीन पाव पृथ्वी चाहिए या नहीं चाहिए? है? ब्राह्मणों को बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलेगा, मेहनत करेंगे तब ही प्राप्ति होगी। बाबा ने बोला है गुप्त दान महान कल्याण, तो बाबा माता के पास तो कुछ होता नहीं बैंक बैलेंस वगैरह, तो गुप्तवान कैसे दे सकती है? पति को तो मालूम पड़ेगा ना। आप बताओ माता दे सकती है कि नहीं दे सकती है? कैसे? कुच्चा करके दे सकती है। ये तो माताएं जानती है कि अर्धांगिनी है, भारत में तो अर्धांगिनी का मतबा मिला हुआ है, आधे के ऊपर तो हिस्सा होता है, है? और कम से कम घर खर्च तो देना मिलता ही है, तो उसमें से
जो कम खर्च वाला नसीब बन करके घर खर्च चलाते हैं और थोड़ा बचाते हैं, तो थोड़ा भी अगर दिया तो बाकी नहीं बनता है, है? बनता है। जिसके पास थोड़ा है वो थोड़ा देता है, जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा देता है, बाकी दोनों का बराबर बन जाता है। क्यों? परसेंटेज देखा जाता है। जैसे ये अधिक से अधिक दो जन्म पुरुष के, दो जन्म नारी के होते हैं, लेकिन ये आजकल के वैज्ञानिक युग में जो लिंग परिवर्तन हो जाता है उसको किस गिनती में लिया जाए? ये जन्म थोड़ा ही हुआ। नहीं, जन्म तो नहीं, लेकिन फिर भी ये मतलब बीच में जो परिवर्तन वाली बात आ रही है। हाँ, तो जो उन्होंने जन्म लिया पुरुष का मालूम जन्म लिया, और उनके संस्कार जो है पुरुष वृत्ति के खत्म हो गए, और इस पुरुष जन्म में उन्होंने स्त्री का रूप का ज्यादा आवाहन किया तो स्त्री को जन्म मिल जाता है। तो फिर इसको गिनती में क्या मैंने दो के अलावा वो जन्म की बात बताई, इसको जन्म थोड़े ही कहेंगे, इसको तो परिवर्तन कहेंगे। हाँ जी, बावन बोला मांगने से मरना भला, तो देने वाले पर इसका क्या असर पड़ेगा? अच्छा असर पड़ेगा या बुरा पड़ेगा? ये मांगने वालों के लिए तो बोला कि मांगने से मर जाना भला, लेकिन देने वाले के लिए बोला क्या है? देने वाले के लिए थोड़ी बोला। मांगने वाला मांगता है तो देने वाला कुछ न कुछ दे देता है। देना खराब बात है क्या कि मांगना खराब बात है? देना देना तो खराब बात नहीं है, वो देने वाले का तो बाकी कुछ न कुछ बनेगा ही। बाकी ये जरूर है कि दुनिया में सब पतित हैं, पतितों को देने से उतना ही भाग्य बनेगा, और पावन ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। प्राचीन परंपरा रही है कि ब्राह्मणों को दान देना है, शूद्रों को नहीं देते। ये कारण क्या है इसका? पवित्र को देने से कैसे काम करेगा? पवित्र कार्यों में लगाएगा, और शूद्र को देने से पतित कार्यों में लगाएगा, वैशाली की दुनिया बनाएगा, तो देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाएगा। बाबा कहते हैं एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, और कृष्ण बच्चा 2018 तक पवित्र बन जाएगा। तो पहला पत्ता पवित्र बन जाएगा तो सब पवित्र बन जाएंगे, तो फिर बाबा पढ़ाई पढ़ने की क्या दरकार है? अरे पतित से पावन तो बन जाएंगे, लेकिन ये थोड़े ही कहा कि उसी सेकंड पावन बन जाएंगे, नंबर वार बनेंगे या एक जैसे बनेंगे पावन? है नंबर वार बनेंगे। और भीष्म पितामह को बताया है कि महाभारत में कि दक्षिण में सूर्य रहा जब तक तुमने प्राण नहीं किया, उत्तर में हुआ या प्राण किया है, इसको अपना वेद में क्या वेद में ये है कि जैसे एडवांस ज्ञान पहले दक्षिण में दिया गया या उत्तर में दिया गया? दक्षिण भारत में पहले फैला, तो जरूर ज्ञान सूर्य दक्षिण भारत में चमका,
दक्षिण भारत में जब तक चमक रहा है, पहले विदेशी पहचानते हैं या पहले स्वदेशी पहचानते हैं? क्यों? क्योंकि विदेशियों में बुद्धि जाती होती है, तो विदेशियों ने पहले पहचाना। बुद्धि तो जाती होती है, लेकिन भावना भी जाती होती है। क्या भावना है? दिल की चीज, और बुद्धि है दिमाग की चीज। भगवान को दिमागी ज्यादा पसंद है या भावना वाले ज्यादा पसंद है? है? भगवान को बुद्धिमान ज्यादा पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि है, उसको क्या बुद्धि दिखाओगे? भावना पसंद है। तो उत्तर भारत में अभी एक नॉलेज नहीं फैली है। जब उत्तर में सूर्य चमकेगा तो उस समय दुनिया का कल्याण हो जाएगा। भाव प्रधान विश्व रचि राखा, भावना मुख्य है, बुद्धि प्रधान नहीं है। बुद्धि की प्रधानता से मनुष्यों ने एटम बम बनाए लिए दुनिया का विनाश करने के लिए। भावना ही बड़ी चीज है। तो भीष्म पितामह की ये प्रतिज्ञा थी कि दक्षिण में जब तक सूर्य चमक रहा है तब हम शरीर न छोड़ें, जीते जी न मरें। कब मरे जीते जी? जब उत्तर में सूर्य चमकने लगे, उत्तरायण हो जाए, तब हम शरीर छोड़ें। उत्तर और दक्षिण में क्या अंतर है? जब द्वैतवादी दुनिया शुरू होती है तो दक्षिण में पनपने वाला धर्म की शुरुआत होती है या उत्तर में पनपने वाले धर्म की शुरुआत होती है? दक्षिण में। अफ्रीका है, अरब देश है, ये दक्षिणायन देश है, दक्षिण दिशा के वाम मार्गी देश है। और तुमसे तो कोरों का खजाना मिल जाता है। कोरों का कुबेर को ही कोरों कहा जाता है। बाबन का जिनके ऊपर पापों का बोझा बहुत होता है उनको क्लास करते समय या याद में बैठते समय संगठन में भी नींद आती है, झुटके खाते हैं। परंतु बाबा जिनके पापों का बोझा उतर जाता है उनको झुटके नहीं आते हैं क्या? अब बताओ, पापों का बोझा 18 से पहले किसी का उतर जाएगा? उतर गया? होता है, उतरने का सवाल ही नहीं। वो तो बता दिया, एक के पावन बनने से सब पावन बनेंगे नंबर वन, एक के पतित बनने से सब नंबर वन पतित बनते। पहले पत्ते के ऊपर सारा मदार है। गीता पाठशाला में सबकी सहमति से 5:30 बजे से 7:30 बजे तक का क्लास फिक्स हुआ। फिर भी लोग 6 बजे 7 बजे 7:30 बजे आते हैं। वार्तालाप का क्लास करते ही नहीं, पूछा तो कुछ भी नहीं। क्लास में जो पंक्चुअल आते हैं और रेगुलर आते हैं, टीचर का उनको वरदान मिलता है, सुप्रीम टीचर उनसे खुश होता है। और जो रेगुलर नहीं आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं,
पंक्चुअल नहीं आते हैं, कभी जल्दी आ गए, कभी देर से आए या नहीं आए, तो ऐसे स्टूडेंट को टीचर का कोप सहन करना पड़ता है। स्कूलों में भी देर से आने वाले स्टूडेंट को हंटर बजाते हैं, यहां तो बेहद के हंटर हैं। बाबा जो कन्याएं माताएं एनएस में हैं, उन कन्याओं माताओं से उनके घर वाले मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे? है बताओ, पुरुषार्थ करेंगे तो जरूर मिलेंगे। जीते जी मरने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो नहीं मिलेंगे। पूछना कुछ भी नहीं है। बाबा माँ है तो सभी से मिलना चाहिए क्या? ऐसा मुरली बोला है? है मुरली में बाप के लिए तो बोला है, फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर से तो कहे और कभी मिले नहीं, ये कैसे हो सकता है? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब से आकर मिलते हैं। ये बाप के लिए तो मुरली में बोला है, माँ के लिए तो बोला नहीं, क्योंकि माँ एक होती है या बाप एक होता है? है पैदा करने वाले बाप दो हो सकते हैं क्या? वो तो नहीं हो सकते, लेकिन माताएं तो दो भी होती है, तीन भी होती है, चार भी होती है। मुरली में तो बोला भारत में पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते एक जूती गई, अभी दूसरी लेते हैं, कोई तो तीन तीन चार चार शादियां भी कर लेते हैं। हाँ, जगदम्बा की बात हो सकती है। किसकी? जगत अम्बा। और वास्तव में हमारी जगदम्बा कौन है? ब्रह्मा। वो तो शरीर छूट गया। हाँ, कोई शरीर के द्वारा मिल सकते हैं। हनुमान जी ने सीना चीर करके दिखाया, इसका क्या अर्थ है? अरे सीने के अंदर क्या होता है? दिल होता है, तो दिल चीरने की बात थोड़ी ही है। दिल की बात बाहर आ जाए, दिल की बात छुपाने से छुपे नहीं। जो प्यार होता है वो छुपाया नहीं जाता है, वो हितैषी है कोई हितैषी नहीं है वो पहचानने में नहीं आता क्या? आता है या नहीं आता है? हित अनहित पशु पक्षी जाना, मनुष्य तो कोई ऐसा होता नहीं है जो दिल की बात को ना जाने। तो वो हनुमान जी की बात एक मिसाल के रूप में दिखाई गई है कि दिल से दिल को राहत होती है, बाकी कोई सीना चीर के दिखाने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ एक कहावत है।
रानी लक्ष्मीबाई इस जन्म में कौन है? है? कौन है? है? जो गंगाधर का भी मुकाबला कर जाती थी, है? वो ही हो सकती है जो किसी के अंदर में ना रहे, सारी दुनिया को कंट्रोल करे लेकिन वो किसी के कंट्रोल में ना रहे। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा कौन सा पार्ट है सो देखो बताओ। बाबा कुमार ने बताया कि जनक के एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। जनक माने क्या? और जनन माने क्या होता है? है? अरे जनने गाय है कि नहीं गाय? बच्चा पैदा होता है तो जनने गाते हैं, तो जन माने जन्म देना, जनक माने जन्म देने का काम करने वाला, तो जनक माने पिता। एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली जनक को, तो कौन है पिता जो गाया हुआ है एक सेकंड में जीवन मुक्ति? है वो एक सेकंड कौन सा है? अरे वो एक सेकंड वही है जिस सेकंड में शंकर की आत्मा हाई जंप लगा करके बैल के ऊपर सवार हो जाए। बैल का पार्ट किसका हुआ? ब्रह्मा का। वो एक सेकंड है जो गाया हुआ है बाप के लिए। महाभारत में जो गंगा के बेटी में जो ब्याह थे है? महाभारत में क्या हुआ? गंगा ने उनके पुत्र को नहीं ब्याह थे, पेटी में रखते हैं। गंगा ने उनके पुत्र पेटी में ब्याह थे ना, जिस सही है, है। नदी कौन सी है? वो विषय वैतरणी नदी है जिसमें सात बच्चों को बाह दिया, आठवां बच्चा पाल लिया। इसी को दिखाया है कृष्ण के लिए कि कृष्ण से पहले सात बच्चे कंस ने कोस लिए। कोस लिए याने विषय वैतरणी नदी में डुबा दिए और आठवां बच्चा बच गया। ऐसे ही सन्यासियों ने सनातन धर्म को फॉलो कर लिया है। ये जो सन्यास धर्म की आत्माएं हैं सप्तऋषि, उनका ये हाल हुआ, उनको पालना नहीं दी, बाय दिया, इसको पालना मिली है। अरे भीष्म पितामह को पालना मिल गई। सन्यास धर्म में मुख्य सन्यासी किसको दिखाया है? है सबसे पावरफुल सन्यासी दिखाया है कौन? भीष्म पितामह। बाबा जो ड्रामा के अंत तक चाय बीड़ी पीना नहीं छोड़ेंगे वो देवता बनेंगे कि नहीं? है बनेंगे? अरे चाय बीड़ी नहीं छोड़ पाए तो विकारों को कैसे छोड़ेंगे? विकारों को नहीं छोड़ेंगे तो निर्विकारी देवता नहीं बनेंगे। क्या पूछा है?
उस गांव में गीता पाठशाला नहीं है, उस गांव में भाइयों और माताओं ने भट्टी नहीं की है, परंतु क्लास करने रेगुलर और पंक्चुअल आते हैं, उनका क्या नाम दिया जाएगा? है उनको ब्राह्मण कहेंगे या नहीं कहेंगे? है ब्राह्मण तो बने लेकिन ऊंची कुरी के ब्राह्मण नहीं कहेंगे। मुरली में बताया है अष्टदेवों में चार भाई हैं और चार बहनें हैं, तो बाबा आठ जोड़े कैसे होंगे? आठ जोड़े बताए क्या विजयमाला में? चार जोड़े बताए और बीच में है बाप। रानियां जो विजयमाला से आती हैं तो पहली पारिवारिक इकाई में चार जोड़े हैं या आठ जोड़े? कितने हुए? चार जोड़े हुए है। जब मैं भट्टी करके आई तो चार पांच दिन के बाद खुली आंख से देखा कि प्रकाश ही प्रकाश है और कोई तालधारी देवता लंबे लंबे बाल वाला है। फिर वो साधारण सफेद वाला बन गया और हंसने लगा, तो वो कौन था जो तुम्हारी भावना में उस ही था? ब्रह्मा बाबा भी हो सकता है। अगर कोई आत्मा भट्टी करने के बाद अमृत वेला न करती हो, रोज नियमित मुरली न सुनती हो, भले ज्ञान में भी तीखी है, दूसरे को सुनाते भी हैं, ऐसी आत्मा का पुरुषार्थ क्या होगा? उमंग उत्साह भी है, देखने में आता है, व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलते हैं, क्या कहेंगे? है भट्टी करने के बाद की बात है, क्या अमृत बेला भी नहीं करती है, नियमित रोज मुरली भी नहीं सुनती है? ऐसे तो बहुत हैं जो मुरली नियमित नहीं सुनते हैं। तो जो नियमित मुरली नहीं सुनते हैं उनको टीचर की टेढ़ी नजर लगेगी। इतना ऊंच पद पाना चाहिए, उतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। ओम शांति। बस हो गया। बाबा से मिलने की कर्म कर रहे हैं।